रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक ये युद्ध रुका नहीं है। भले ही पुतिन का यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने का प्रण अभी तक पूरा न हुआ हो, लेकिन यूक्रेन के कई शहर रूस की बमबारी और मिसाइल हमलों से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटकर रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है, और इस सब के बीच पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दुनिया के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। दरअसल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नाटो को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं, और इसकी पहली कड़ी में रूस ने पड़ोसी मुल्क बेलारूस में परमाणु हथियार तैनाती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और यूक्रेन युद्ध में रूस का ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ये पहली बार है जब रूस किसी बाहरी मुल्क में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा हो। अब बात आती है बेलारूस की। आखिर पुतिन के लिए बेलारूस में परमाणु हथियार तैनाती करना इतना अहम क्यों है? तो आपको बता दें कि बेलारूस की सीमा नाटो के 3 देशों से मिलती है, इसमें पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया है। इसका मतलब ये हुआ कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करना सीधे नाटो के दरवाजे पर इन हथियारों को लाकर खड़ा करना है। लेकिन सवाल ये भी है, ये आखिर बेलारूस पुतिन की तरफ इतना झुका हुआ क्यों है? तो आपको बता दें कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले की शुरुआत की थी, तब बेलारूस ने अपने बॉर्डर को रूसी सैनिकों के लिए खोल दिया था, और बेलारूस के रास्ते से ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है, वो ये कि बेलारूस रशिया से सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। बेलारूस की इकोनॉमी पूरी तरह से रूस पर निर्भर करती है। इसके अलावा बेलारूस पुतिन से कम कीमतों पर गैस भी लेता है।